अच्छा मैं एक स्टोरी सुना रहा था कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि गायें घुमाना सारी सारी रात और फिर सुबह, उनका एक रूटीन ऐसा बन जाता था। तो एक दोस्त ऐसा था, उसने कहा यार तीसरे दिन उससे हमारी बात हुई, पहले और दूसरे दिन बात ही नहीं हो सकी। तो तीसरे दिन जब वो आया उसने कहा तुम्हें पता है मैं दो दिन क्या कहाँ था? मैंने कहा कहाँ थे? कह रहा है यार मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ, जानवर गिराया है और कुर्बानी के बाद मैं सो गया। अच्छा मैंने जो था, मेरी वालदा ने मेरे रूम के अंदर तीनों दिन के ड्रेसेस टंगाए हुए थे। तो कहने लगा अब मैं सो गया, सो कर मैं उठा हूँ तो मैंने कहा अम्मी लाएँ कपड़े दे दें, और तैयार होकर जाना था हम लोगों को मेहमान वगैरह के, तो हमने कहा लाएँ सेकेंड डे के। तो अम्मी ने कहा नहीं बेटे अब तुम तीसरे दिन के पहन लो। वो फर्स्ट ईद को सोया है, पूरे दिन सोता रहा, रात सोता रहा, अगले दिन अगली रात सोता रहा, वो थर्ड डे सुबह उठा है। तो हैडी तुम्हारी बात से मुझे मेरा दोस्त याद आ गया, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? हुआ ऐसा हुआ। क्या बात कर रहे हो यार? सर एक हफ्ता पूरा जाग रहा था, वो रोज रात में दोस्त आ जाते थे, सुबह सोता था वो अब्बू उठा देते थे कि कोई ना कोई चारा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि फर्स्ट ईद को सोया था और मैं सेकंड डे मगरिब के बाद उठा था। अल्लाह अकबर। नहीं भाई मेरा जिंदगी में शायद कभी भी ऐसा कभी रूटीन नहीं रहा है, मैं तो हार्डली 6 या 7 घंटे के लिए सोता हूँ बस, वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नफ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।